नमस्कार, माइंड योर रोड में आपका स्वागत। मैं हूं राम प्रकाश राय। आज के इस अंक में बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट की। अब इस अंक में बात होगी अमरोहा लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा कोड है 9। अप्रैल 1997 में मुरादाबाद से अलग होकर के नव निर्मित हुई अमरोहा की लोकसभा सीट अपने आप में खासी महत्वपूर्ण है। इसका जब नवीनीकरण हुआ तो इसका नाम रखा गया ज्योतिबा फूले नगर, जिसे बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार ने फिर से बदल करके अमरोहा कर दिया। अमरोहा कमाल अमरोही की धरती है, तो वहीं अमरोहा प्रसिद्ध शायर जान एलिया की धरती है। जान एलिया जिन्होंने उर्दू की शायरी में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, तो वहीं कमाल अमरोही ने पाकीजा और रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। अमरोहा की लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, हसनपुर, धनौरा, नौगावा सादत, अमरोहा और गढ़मुक्तेश्वर। इसमें अमरोहा की जो विधानसभा सीट है वो वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के हिस्से में है और बाकी की 4 सीटें फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का अगर चुनावी इतिहास देखा जाए तो यहाँ पर 1952 में जब चुनाव हुए थे तो 52 से लेकर 71 तक यहाँ पर 3 बार कांग्रेस और फिर 2 बार CPI का उम्मीदवार यहाँ से संसद पहुंचा। 77 में यहाँ से चंद्रपाल जो है वो सांसद हुए थे, भारतीय लोकदल के टिकट पर उस वक्त चुनाव लड़े थे, और फिर से वो 80 में भी दोबारा सांसद हुए, लेकिन उस बार वो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 84 में यहाँ पर कांग्रेस और फिर से 89 में जनता दल का उम्मीदवार यहाँ से विजयी हुआ। उसके बाद ये सीट खासी चर्चा में तब आई जब पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान यहां से चुनावी मैदान में आए। जब चुनाव के चुनावी अखाड़े में चेतन चौहान का पदार्पण हुआ तो इस सीट को खासी चर्चा मिली थी। चेतन चौहान भारत की ओर से क्रिकेट खेलने वाले, लंबे समय तक उन्होंने क्रिकेट खेला। सुनील गावस्कर के साथ ओपनिंग के तो ओपनिंग जोड़ी में उनको खास बहुत सफलताएं मिली थी, जिसमें उनकी खासी चर्चा रहती थी, और उन्होंने करीब 40 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले और वो बतौर ओपनर स्थापित थे। 1991 में यहाँ पर पहली बार कमल खिला, चेतन चौहान यहाँ से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत करके संसद पहुंचे। 1996 में ये सीट सपा के खाते में चली गई जब प्रताप सिंह सैनी यहाँ से सांसद हुए। साल 1998 के चुनाव में एक बार फिर से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में आ गई, चेतन चौहान यहाँ से दूसरी बार सांसद हुए। साल 1999 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इस बार चेतन चौहान चुनाव हार गए थे। बहुजन समाज पार्टी ने राशिद अलवी को अपना उम्मीदवार बनाया, राशिद अलवी यहाँ से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2013 में हालांकि राशिद अलवी बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिए गए और फिर वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस में रहे और अभी भी कांग्रेस में ही हैं। 2004 में ये सीट निर्दल के खाते में रही, यहाँ से निर्दल सांसद के तौर पर हरीश नागपाल संसद पहुंचे थे। फिर 2009 में देवेंद्र नागपाल के हिस्से में ये सीट गई थी, राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे। 2014 में ये सीट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में रही, कंवर सिंह तंवर यहाँ से सांसद रहे, और जब साल 2019 का चुनाव आया तो यहाँ से कुंवर दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर वर्तमान समय में सांसद हैं। अब इस सीट पर जब प्रभावशाली नेताओं की बात की जाए, उन नेताओं की बात की जाए जो यहाँ इस लोकसभा में सक्रिय हैं, जिनका यहाँ मतदाताओं के बीच में पैठ है, उनमें पहला नाम कुंवर दानिश अली का आएगा, वर्तमान समय में सांसद है। ये सीट गठबंधन में बसपा के खाते में गई थी और बसपा ने इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। 10 अप्रैल 1975 को हापुड़ में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इन्होंने जामिया से अपना स्नातक किया, ये जामिया में छात्र नेता के तौर पर इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। राजनीति इन्हें विरासत में मिली थी, इनके दादा भी सांसद रहे थे। कुंवर महमूद अली पहले डासना की सीट से विधायक रहे, फिर साल 1977 के चुनाव में ये हापुड़ से सांसद हुए थे, जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर के ये संसद पहुंचे थे। दानिश ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जनता दल सेकुलर से की, फिर ये इनके राजनीति की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी, वहाँ पर फिर ये जनता पार्टी सेकुलर के जनरल सेक्रेटरी तक पहुँचे थे। एक समय में ये पार्टी के प्रमुख चेहरे बनकर के उभरे थे। कर्नाटक चुनाव के बाद जो कांग्रेस और जनता दल एस का गठबंधन हुआ था उसमें मिलाने में सबसे बड़ी भूमिका दानिश अली की ही थी। दानिश अली यहाँ से चहेते नेता थे। फिर साल 2019 में कुमार स्वामी के आशीर्वाद के बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की। बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के 6 दिनों के बाद मायावती ने इनके टिकट की घोषणा कर दी थी कि 2019 में बसपा के उम्मीदवार होंगे ये इस
लोकसभा सीट से। जब ये उम्मीदवार बने, फिर इन्होंने चुनाव जीता, पहली बार यहाँ से ये सांसद बनकर के संसद पहुंचे और बसपा को यहाँ पर दूसरी बार जीत हासिल हुई। बसपा ने इन्हें इसका इनाम भी दिया, इन्होंने इन्हें संसद में अपना मुख्य सचेतक बनाया। दानिश की छवि उनके लोकसभा में बेहद साफ सुथरी है। दानिश साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, युवा नेता हैं, और इस 2019 के चुनाव के पहले अमरोहा में या अमरोहा की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनकी कोई दखलंदाजी नहीं थी, यहाँ से इनका कोई संबंध नहीं था, पर यहाँ 19 में आए और चुनाव जीता। वर्तमान समय में ऐसा कहा जाता है कि बतौर सांसद दानिश की छवि और लोगों तक उनकी पहुंच बेहद अच्छी है और जनता में उनकी खासी पैठ है। दूसरे नंबर पर नाम आएगा कंवर सिंह तंवर का, भारतीय जनता पार्टी से 2014 में ये सांसद रहे हैं, गुर्जर जाति से आते हैं। अमरोहा के जनकपुरी गांव में इनका जन्म हुआ था, 8वीं तक इन्होंने पढ़ाई की है। ये मुख्य रूप से व्यवसायी हैं, रियल एस्टेट और होटल के कारोबारी हैं, और इनकी गिनती उत्तर प्रदेश के चंद सबसे अमीर सांसदों में होती है। साल 2011 में इनके बेटे का विवाह हुआ था, हरियाणा के एक पूर्व विधायक की बेटी से। उस समय वो विवाह खासा चर्चित रहा था। कहा जाता है कि उस विवाह में करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ था, जिसमें इनके बेटे को दहेज में 5 सीटर हेलीकॉप्टर मिला था और दहेज और शादी के ही व्यवस्थाओं करने के लिए खेत में खड़ी फसल को कटवा दिया गया था। हालांकि 2014 में इनके एक और बेटे की शादी हुई, वो भी खासी चर्चित रही थी, जब इन्होंने दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में अपने बेटे की शादी की और मात्र 1 रुपये लेकर के उस शादी को इन्होंने किया था। उस दोनों शादियों ने, इनके दोनों बेटे के शादियों ने मीडिया में खासी चर्चा बटोरी, खासी चर्चित रही थी। साल 2014 में इनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और ये जीतकर संसद पहुंचे। इसके पहले ये बसपा में रह चुके हैं। बसपा में 2008 में इन्होंने विधायकी का चुनाव भी लड़ा, वो चुनाव हार गए, फिर ये कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस के बाद 2014 में ही ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उसी समय इनको उम्मीदवार बनाया गया था और ये चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। 2019 के चुनाव में ये चुनाव हार गए। तीसरे नंबर पर नाम आएगा सचिन चौधरी का, जो जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। सचिन पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में रहे टिकट के लिए, पर इन्हें टिकट नहीं मिला, फिर कांग्रेस ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि उसके पहले ये राजनीति में, अमरोहा की राजनीति में सक्रिय नहीं थे, मुरादाबाद में रहते हैं, व्यवसायी हैं, और ये हस्ताक्षर अभियान से खूब चर्चा में आए थे और वहां से इन्होंने आम आदमी तक अपनी पहुंच बनाई। बाद में ये शौचालय घोटाले को लेकर इन्होंने अनशन भी किया, उसमें भी ये खासे चर्चित रहे थे। इसके अलावा जब राशिद अलवी को 2019 में कांग्रेस ने सीट से चुनाव लड़ने के लिए बोला तो राशिद अलवी ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने, कांग्रेस ने सचिन को बतौर उम्मीदवार वहां से चुनावी मैदान में उतारा। सचिन वहां से हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए। इसके अलावा बात की जाए तो वहां पर कुछ ऐसे नाम हैं जिनका दबदबा उस क्षेत्र में रहता है, जैसे चेतन चौहान का परिवार। चेतन चौहान साल 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जीते, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहे। 16 अगस्त 2020 को कोरोना के चलते उनका निधन हो गया था। उसके बाद उनकी पत्नी उपचुनाव में वहां से, संगीता जी फिलहाल विधायक हैं। देवेंद्र नागपाल जो आरएलडी से सांसद रहे थे, उसके पहले वहां से विधायक भी रह चुके हैं, उनका भी वहां की लोकसभा में एक दखलंदाजी रहती है। राकेश टिकैत आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी भी एक अच्छी खासी जाट और किसान नेताओं के, किसानों के बीच में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। इन ये चंद वो नाम है जो वहां के जिलों, जो वहां के वोटरों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे थे, महबूब अली बसपा और सपा के सरकार में मंत्री रहे थे। महबूब अली 2002 से अभी तक लगातार अमरोहा की सीट से चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, अमरोहा से विधायक हैं। तो ये इन नेताओं का भी उस लोकसभा में मतदाताओं के बीच में अच्छी पकड़ है जो चुनाव को प्रभावित करती है। अमरोहा लोकसभा सीट पर करीब 17 लाख मतदाता हैं, इसमें दलित सैनी और जाट वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। उसके बाद नंबर आता है मुस्लिम वोटरों का, तो मुस्लिम वोटर करीब करीब 20% से कुछ ज्यादा है, और मुस्लिम बिरादरी का जो वोट है वो हमेशा से इस लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा है। ये वोटर प्रत्याशियों का भाग्य तय करने में अहम रोल निभाते रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कौन सी पार्टी या किस पार्टी का प्रत्याशी इन वोटरों को कितना साध पाता है। धन्यवाद।